सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ जय माता दी। आज का व्लॉग आज की सुबह के साथ शुरू हुआ है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह की शुरुआत इस विश से कीजिए कि भगवान जैसा आज का दिन या कल का दिन जो आपका अच्छा गया बुरा गया ऐसा हो ना हो वो आपकी सारी कृपा है। और इसी तरह से धरती माता का आशीर्वाद लेकर हम उठते हैं सुबह सुबह। मैंने सोचा क्यों ना आजकल बच्चों की जैसे छुट्टियां चल रही है तो क्यों ना सुबह का मॉर्निंग रूटीन के साथ ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि कीर्ति ऑफिस जाती है तो मॉर्निंग में वो रेडी हो जाती है, बट मैं जब ही उठती हूँ जब मेरा काम होता है तो मुझे सुबह सुबह नाश्ता बनाना होता है। बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो उनका लंच बनाना होगा। सुबह की सारी विंडो ओपन करनी चाहिए, घर में सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से करनी, और जैसा आपको रिलीफ लगे मेरे ख्याल से वैसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे कम से कम आपको तो संतुष्टि होगी। जैसा आपका मन करता है वैसे आप करते हो। तो चलिए यहाँ से करते हैं हम अपने दिन की शुरुआत। चाय पानी जो भी आपका मन करे वो लीजिए सुबह सुबह। अभी मुझे जैसे कि मौसम चेंज हो गया है तो थोड़ी पानी की क्रेविंग रहती है, थोड़ा सा पानी पीऊँगी फिर चाय की तैयारी करूँगी। सब उठते रहेंगे, जिनका जो भी खाने का रूटीन होगा वो कुछ खाएंगे पिएंगे, और बहुत अच्छा लगता है अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चलाने से। और यहाँ मैंने ये लाइटिंग सिस्टम कर दिया था तो सुबह सुबह थोड़ा सा मैंने सोचा वीडियो तो चली रही है, चलिए इन्हें भी स्टार्ट करते हैं। और कैसा आपका दिन जाता है सुबह सुबह, आप सबसे पहले क्या करते हैं वो मुझे ज़रूर बताना। मेरा तो किचन से ही शुरू होता है और लास्ट टाइम आई थिंक किचन से ही बंद होता है, ये मेरा रूटीन है। और आरओ से पानी लेकर मैंने थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया था, क्योंकि वैसे जैसे दूध में पत्ती मुझे कभी कभी अपने पर्सनल के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सबको पीनी होती है तो उनका रूटीन मैं ऐसे शुरू करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। कैसे आप सब लोग, फिर से स्वागत आप सबका मेरे अपने नए व्लॉग में। और यहाँ हम सब रेडी होकर चल दिए खस्ता कचौड़ी खाएगा, और हम कह रहे हैं ना करो पैक करवा के लिए हूँ, मैं हमने मना कर दी, एकदम से पूछे लगा ताला कहाँ था। जाओ बोलो जब आया जब हमने मना कर दी ना कि हम कुछ लेके ना हो। ये रहे सेजल, ये रहे हम, और ये रहे हमारे महादेव। देखो अब प्रॉपर ऐसा कर दीजिए सूखी मालई का कोई सीन ही ना हो। महादेव नहीं है उनके बेटे हैं, दोनों हैं पापा बेटा। ये रहे ये गणेश भगवान है, ये महादेव है। हाँ ये ही अपने वो कर लिए, ये हमारी पहली गाड़ी के थे इसलिए हमने ये दोबारा से बदल लिए। और नवरात्रों का जो सामान होता है सिलाने वाला वही सिलाने के लिए हम जा रहे थे, जो मिट्टी और देवी का प्रसाद और सिंगार। मतलब ये वाली भी मतलब बहुत टाइम पहले थी जब हमने ली थी, और बहुत अच्छी है हमारी लकड़ी गाड़ी। और आज हम सारे के सारे ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं, ये भी ब्लैक। मम्मी की शादी में नहीं आई थी अल्टो, मैं उसमें तो हम साथ कहीं गए ही नहीं अल्टो में। नहीं गए तो हो गए, क्यों शिवम तो था, शिवम के टाइम पे मैं तो फिर पता। कौन क्या क्या करना चाहता है बताओ, आप बताओ आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कर लिया जो मुझे करना है अपनी लाइफ में। अब यहाँ हम थैंक यू विजिटिंग वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा थैंक यू करने के लिए। आप आपने कुछ कर लिया? हाँ कर लिया, बताओ ना क्या करना चाहते हैं। चल शिवम की बात, शिवम बता क्या करना चाह रहा लाइफ में आगे। मैं मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो मैं घूमते फिरते कर सकूं। बोली तो चले लो तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। कुछ नहीं सपने पूरे करूंगा। किसके? पापा मेरे तो छोड़ दे, मेरे तो छोड़ दे भाई, मैं
मैं तो अपने सपने अपने आप ही लेके आई और अपने आप ही पूरे कर लिए, और जो मेरी चॉइस थी वो मेरा कम्प्लीट। शादी होगी मेरी, शादी होगी जिससे मुझे करनी थी, और वो था ये बंदा, और उसने मुझे वो सब करा दिया जो मुझे करना था, बस जो मेरा पैशन भी ना है ना, मुझे उस पैशन में घुसा दिए। और यहाँ हम सिलाएंगे अपनी माता। वो सिजल बता क्या बनना चाहता है? कम उम्र में पैसे कमाना। पैसा क्या होगा, पैसा क्यों? मतलब आपको मुझे कुछ ना चाहिए भैया, कंफर्ट रहो अपना राजी ना, मैं जाऊंगी। लिखो लास्ट उम्र डाल लो। नहीं पन्निया अलग निकालूंगी। नहीं है पानी, नहीं है आगे है। क्या आप सबके यहाँ पर भी माता सिलाने का कोई भी मतलब ऐसा सिस्टम है? मैंने कई में देखा है, ज़्यादातर अपने यहाँ पर जो पुरानी जगह रहती हैं वहाँ पर भी सिला देते हैं, बट हमारे यहाँ पर जमुना जी पास है तो हम वहीं पर सिलाने जाते हैं। फाइनली हमने सिलाने का सामान डाल दिया है, और यहाँ भी है जमुना जी, यहाँ भी तो दे रखे है पहले थोड़े थोड़े, पर पानी ना है, जल ना है, सभी रोक रखा है। कंपनियों की वो रहती है, चुनाव उनाव रहेंगे ना तब तक रहेगा ये सब चीज। हाँ देखो सफाई चल रही है पूरी। फोन कर रहे ऐसे बंद कर रखी है तुमने जी। ओ वो तो कितनी छोटी बड़ी है बोरी। वो देखो कितनी चढ़ गई, और इधर पानी ना है, ये सूखा पड़ा और ये चढ़ी पड़ी, पर अच्छी लग रही है देखने में भी, है ना? बहुत सुंदर लग रहा है, व्यू भी एकदम बहुत प्यारा आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है चुनावों से पहले पहले ये थोड़ा सा अपना क्लीनिंग काम जो करवाना रह रहा है ना वो करवाते हैं, और उसके बाद नई नई चीज़ें फिर से कुछ दिन, चलो अच्छा है चुनाव के जरिए ही कह लो या कुछ भी, हमारी सरकार कुछ तो सोचती है हमारे पर्यावरण के बारे में, पॉल्यूशन और उससे कितनी बीमारियां हो रही हैं, है ना? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? तो कितनी सुंदर सुंदर वॉच, ये वॉच हो गया ओखला सेनेटर, यहाँ हम पिछली बार रुके थे शायद, फोटो करवाऊंगी और वीडियो बनाएंगे यहाँ पर अभी, और फिर मिलूंगी आपको या तो घर जाने के बाद या अभी खाएंगे कुछ। कंपनियों प्रेम जाती है, ये भी सेम ही है ना, ये दाल के मतलब दो ही है ना, 20 वाली प्याज वाली।
बोलते थे नहीं मटा नहीं नहीं बोल रहे तो एक चम्मच और लगा दो हमारी यम्मी टेस्टी खस्ता कचौड़ी जो हमारे गाड़ी में बैठते के साथ ही स्टार्ट हो जाता खाना हो सके सफाई के टाइम पे या कभी तेरा धुलाई उलाई के टाइम पे तुझ पे ही बंद हो गया क्यों ऐसा हो सकता है और अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए पर बहुत टेस्टी है यम्मी नो डाउट ये करी कैसे ही ये देखो कोई कह सके मतलब वैगनार में भी क्या सेट बनाया है देखो खाने के लिए चलो चलो वाह वाह कुछ बोल के गए क्या कह रहे कितना अच्छा सेटअप कर लिया खाली सही से वाह भाई वाह हटा उसको ऐसे तो सही है लेटने का भी हो जा कहीं जाना रहे तो पीछे कर लो बढ़िया लग खाली सही से सीट पीछे कर लो हमारा फाइनली गन्ने का जूस कुछ भी खाने के बाद गन्ने का जूस की क्रेविंग स्ट्रॉ रहने दो भैया परेशान मत हो स्ट्रॉ रहने दो ओहो आप सभी स्ट्रॉ लोगे नहीं बच्चे हो तो आप तो मैं छोटी बच्ची हूँ क्या कैसा है एम स्ट्रॉ मत लेना आपकी मूछें अच्छी लगती है बढ़िया क्या तो स्ट्रॉ रहने दो आप आप स्ट्रॉ मत आ गई हम मैं क्या करूं बढ़िया है सही है जूस बढ़िया कोई मीठ है कल की तरह स्ट्रॉ मत लगा ना तो ये थी आज की हमारी ट्रिप जो बच्चों के साथ थी बहुत ही अच्छा लगता है कुछ भी काम से निकलिए लेकिन ज़रूर फैमिली ट्रिप ज़रूर करनी चाहिए उससे थोड़ा सा एक बॉन्ड होता है सबके बारे में पता चलता है लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें नेक्स्ट व्लॉग के रेडी रहें बाय एवरीवन एंजॉय योर डे विद योर